नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूँ आपके साथ जो है अपाल। चले शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी हो रहा है हम खबरों की ओर, जहाँ आज सातवें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है और मैदान में आपको बताते चले कि मैदान में 904 उम्मीदवार है। वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान डाले जाएंगे और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो पंजाब की सभी सीटों पर एक साथ वोटिंग है। आज सातवें चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर, बंगाल की 9 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और बिहार की 8 सीटों पर, उड़ीसा की 6 सीट, झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और सांसद राघव चड्ढा ने अपने मतदान का जो इस्तेमाल है, अपने मताधिकार का प्रयोग है वो कर लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। जितना वोट आप लोग देंगे, घरों से निकल के जनता जितने वोट डालेगी, उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। और खास तौर पे मैं पंजाबियों को कहना चाहता हूं, अपने पंजाब सूबे के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को वोट दीजिएगा जो सांसद बनने के बाद भारत की पार्लियामेंट में जाकर आपकी आवाज को, पंजाब के हकों की आवाज को मजबूती से उठाए, बुलंद करे। पंजाब के पानी से लेके पंजाब की किसानी तक, पंजाब की जवानी तक, हर मुद्दे को मजबूती से उठाए। बस इसी के साथ साथ सबसे यही गुजारिश है कि वोट डालें, भारी से भारी तादाद में अपने घरों से निकलें, अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ और वोट डालें, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया।